जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भाव सर। तो ये एक व्हाइट कुर्ता है फुल साइज का, तो इसको स्टार्च करना है। तो स्टार्च कैसे घर पर बनाएं, इसकी आज हम वीडियो बनाएंगे किस तरह से स्टार्च घर पर बनाया जाएगा। हम लॉन्ड्री ओनर नहीं है, घर पर ही करना चाहते हैं। एक दो कपड़ों के लिए कितना स्टार्च बनाए, तो आज हम बनाएंगे सिर्फ दो कपड़ों के लिए स्टार्च। जय हिंद दोस्तों, हमें दो कपड़ों के लिए स्टार्च बनाना है। पहले तो गैस शुरू करना है, उसके ऊपर इस तरह का एक पतीला रख देना है। पतीला बोल सकते हो, एक बर्तन बोल सकते हो, हम इसको भगोना भी बोलते हैं। और ये 5 लीटर का बकेट है दोस्तों। ओके, पानी का इतना मेजरमेंट इम्पोर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से, बट आप लोग पूछते हो ना। तो ये हमने 5 लीटर पानी लिया है, तो 5 लीटर में से मैंने कम से कम 3 लीटर के आसपास पानी मैंने डाला है, और 2 लीटर इसमें अभी भी बचा है। तो 3 लीटर पानी हम इसको उबालेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, ये हमारा पानी उबल चुका है, और ये स्टार्च है, इसको कॉर्नफ्लावर स्टार्च भी बोल सकते हैं, आरारोट स्टार्च भी इसे बोलते हैं। और ये जो चाइनीज रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, तो वो सूप को थिक बनाने के लिए यूज करते हैं, सोयाबीन चिल्ली में यूज करते हैं, उसके बाद में मंचूरियन में भी इसे यूज किया जाता है दोस्तों। ये किराने की शॉप पर, प्रोविजन शॉप पे आसानी से मिल जाता है। तो अभी ये रहा हमारा 2 लीटर जो पानी, अभी इसमें हम इसको ऐड करेंगे दोस्त। और इसको इस तरह से ऐड करना है कि इसमें एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, एकदम प्लेन इसका पेस्ट बनाना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, और पानी अब तक हमने सिर्फ 5 लीटर ही पानी लिया है, उसी में सारा कुछ काम हमें करना है दोस्तों। ये इतना बर्तन है, इतना मैंने फुल भर के लिया था। हर घर में ये अवेलेबल होता ही है, मेरे जहाँ तक मेरा मानना है। और इसको मैंने फुल भरा था, ये कम से कम 80 ग्राम का होगा, और पूरा भर के आप 100-120 ग्राम तक आ जाता है। और इससे भी आप कम बनाओगे तो स्टार्च बना हुआ दिखेगा नहीं आपको, मतलब एकदम पानी जैसा दिखेगा। तो ये इतना सेफिशिएंट है दोस्तों स्टार्च। अभी हम इसमें डालेंगे, और जैसे जैसे स्टार्च डालते हैं ना, पानी उबला हुआ है हमारा, तो ये डालते ही उबल जाता है, तो इसको ऐसा घुमाना अपने को पड़ेगा, कलर चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब तक हमें इसको पकाना है दोस्तों। और मैंने गैस है ना फुल कर दिया है। तो दोस्तों, ये हमारा स्टार्च बन गया है, 5 लीटर पानी में स्टार्च बनाया है दोस्तों हमने। तो स्टार्च को छानने के लिए ना, इस तरह के पॉलिस्टर के दो कपड़े लिए दोस्तों मैंने, और उनको एक साथ रखा है, और दोनों को मैंने गीला कर दिया है अच्छे से। अभी इसमें हम स्टार्च छानेंगे। गरम गरम ही छानेंगे ना, तो आपका स्टार्च वेस्ट नहीं जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिए, बिल्कुल भी स्टार्च वेस्ट नहीं गया है, और ये हमारा स्टार्च बन गया है दोस्तों। ये रहे व्हाइट क्लॉथ्स, आपको मैंने दिखाए थे ना, तो वॉश करने के बाद में ये कुछ ऐसे हैं। तो दोस्तों, इस बकेट में थोड़ा सा पानी ले लिया है, और ये थोड़ा सा टिनोपोल है दोस्तों, बहुत ही थोड़ा सा है। तो करेंगे मिक्स, और इसमें थोड़ा सा लिक्विड ब्लू भी डालेंगे दोस्तों। अगर आपके कपड़े डार्क कलर के हैं ना, तो लिक्विड ब्लू ऐड कर सकते हैं, जिसमें से स्टार्च में आपकी व्हाइटनेस नहीं आएगी कपड़ों में। और ये हमने डाल दिया इसमें, और ये हमारा स्टार्च है दोस्तों, क्योंकि स्टार्च जो होता है ना, थोड़ा सा पीले कलर का हो जाता है उबलने के बाद में। अब भी हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें कपड़ों को है ना स्नो व्हाइट बनाना है दोस्तों, तो ये हो गया। बहुत ज्यादा स्टार्च हमने नहीं लिया है, इसकी जो थिकनेस है ना वो बनी रहने चाहिए दोस्तों। ये दोनों कपड़े हैं ना जो मैं एक साथ में अभी स्टार्च कर रहा हूं दोस्तों,
आप चाहो तो सिंगल सिंगल डाल सकते हो, बट मैं तो दोनों को ही एक साथ में ही स्टार्च करूंगा। और इस तरह से पूरा डिप करना है दोस्तों, कपड़ों को पूरा डिप करना है कि जिससे स्टार्च है ना अच्छे से पूरे कपड़े में लग जाए। और इस तरह से इनको, और अगर आप चाहो तो इनको डायरेक्ट भी आप सुखाने के लिए डाल सकते हो, बट मैं इनको सनलाइट में नहीं डालूंगा, इनको घर में ही सुखाना है मुझे, तो इनको मैं थोड़ा सा हाइड्रो कर लेता हूँ दोस्तों। बस इतना ही मैंने थोड़ा सा हाइड्रो घूमने दिया कुछ सेकंड, 15-20-30 सेकंड के आसपास, और फिर उसके बाद में मैंने हाइड्रो बंद कर दिया है दोस्तों। अभी हाइड्रो मैंने बंद कर दिया है क्योंकि वो जो स्टार्च जो टपकता है ना कपड़ों में से, तो वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इनको घर पर सुखाना है। तो दोस्तों यहाँ पे काफी अंधेरा है बट कपड़े तो अच्छे से चमक रहे हैं, व्हाइट एकदम। तो इनको है ना सूखने के बाद में दिखाता हूँ आपको कितने क्रिस्पी ये हुए हैं दोस्तों। तो जो मैंने कल स्टार्च किए थे कपड़े, वो कपड़े सूख गए हैं। अभी मैं इनको आयरन करूंगा और देख लीजिए कितने ज्यादा क्रिस्पी हैं ये, इतने क्रिस्पी है दोस्तों। सभी कस्टमर्स को पसंद नहीं होते इतने ज्यादा क्रिस्पी, बट कोई कोई कस्टमर होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कड़क चाहिए कपड़े, तो इनके लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है। और ये सिर्फ दो कपड़ों का प्रोसेस था दोस्तों, इसमें और मेरा स्टार्च बचा है जिसमें कि और 4-5 कपड़े स्टार्च हो जाते आराम से, बट कम से कम इतना स्टार्च तो मुझे बनाना ही होता है। और जब 40-50 कपड़ों को स्टार्च करने की बात होती है ना, तो वो पूरा काम मशीन में होता है, उसका स्टार्च भी अलग से बनता है, सेम इसी प्रोसेस में बनता है, बट क्वांटिटी ज्यादा होती है दोस्त। और उसको मैं मशीन में स्टार्च देता हूँ डायरेक्ट। मैंने पिछली कई सारी वीडियोस में आपको दिखाया है डेमो, बट बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हमको एक दो कपड़ों के लिए ही स्टार्च बनाना है तो किस तरह से बना। और व्हाइटनेस भी देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा उजाला कम है बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये स्नो व्हाइट तो अच्छे से दिख रहे हैं दोस्तों। तो बस ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो सच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, जिससे कि मुझको समझ में आएगा कि और किस तरह की वीडियोस आपके लिए बनानी है। तो बस दोस्तों ये वीडियो यही तक थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूजफुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।